कहीं वाटरवे बन रहा है, कहीं पर आईटीआई है, कहीं पॉलिटेक्निक है, कहीं डिग्री कॉलेजेज है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास की योजनाओं को लागू करना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य, और साथ ही साथ भाइयों बहनों उससे भी आगे जाकर के ये विकास फलीभूत तभी होगा जब सुरक्षा होगी। याद करिए, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी ना, लालू जी समर्थन कर रहे थे ना सरकार को, तब क्या होता था? पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके चला जाता था, सरकार मौन रहती थी, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति रहती थी। आज क्या है, हमारा विंग कमांडर पाकिस्तान के विमान को नष्ट करके जब उसने अपने विमान से छलांग लगाई और पाकिस्तान की ओर गिर गया, पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को बंदी बनाया, लेकिन भारत ने जब उसको एक बार आंखें दिखाई 24 घंटे के अंदर अभिनंदन भारत चाहे कांग्रेस कर पाती, क्या लालू जी कर पाएंगे? तो फिर यही तो है मोदी का काम। और भाइयों बहनों यही नहीं, पहले पाकिस्तान आतंकी घटनाएं करता था, बड़ी बड़ी घटनाएं करता था। 2008 में मुंबई पर हुआ आतंकी हमला आप भूले नहीं होंगे। याद करिए 2008 में जब आतंकी हमला होता है, बड़ी बड़ी डींगे हाकी गई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या कुछ नहीं। और इस बार पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए, और भाइयों बहनों अब तक 44 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं भारत के अंदर कश्मीर में। और यही नहीं, ये आतंकवाद की विष बेल कहां है, इसकी जड़ें कहां तक गई हैं? पाकिस्तान के बालाकोट और एक ही झटके में 10वें दिन भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर के सभी आतंकी कैंपों को भी नष्ट कर दिया, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर अलग थलग पड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के अंदर भाषण देते हैं, गर्मी आपके महाराजगंज में पड़ रही है, बिहार में पड़ रही है, उत्तर प्रदेश में पड़ रही है, लेकिन मोदी जी के भाषण का पसीना इमरान खान को पाकिस्तान में छू रहा है। यह है न्यू इंडिया, यह है नया भारत, जहां भारत के सौर और प्राकृत का लोहा दुनिया को मनाया जा रहा है, और दुश्मन से आंख मिलाकर के बात करते हुए इसको जवाब दिया जा रहा है। अब छुपने वाला भारत नहीं है, अपनी राह से टिकने वाला भारत नहीं है, आतंकवाद की कमर तोड़ने वाला भारत है, और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने वाला भारत है, और ये मोदी जी के ही नेतृत्व में हो सकता है। यही तो हम कहने के लिए आए हैं, आतंकवाद हो या नक्सलवाद, आज भारत के अंदर न्यूनतम स्तर पर आया है। 2014 में जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व के कुशासन के कारण देश के अंदर 270 से अधिक जिले थे जहां आतंकवाद चरम पर था, महीनों महीनों तक नाकेबंदी होती थी। लेकिन आज आतंकवाद और नक्सलवाद न्यूनतम स्तर पर आया है, और विश्वास करिए एक बार फिर से मोदी जी को अवसर दीजिए, विश्वास करिए 5 साल के अंदर भारत से आतंकवाद और नक्सलवाद समेत के लिए समाप्त होगा। भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, भारत दुनिया की महाशक्ति बन रहा है। क्या भारत जब दुनिया की महाशक्ति बनेगी तो शक्ति में हम भी तो भागीदार होंगे, भारत का हर नौजवान भी तो भागीदार होगा, भारत का हर किसान हर नागरिक भी तो शक्तिशाली होगा। अभी हमने 21, 22, 23 जनवरी को वाराणसी में अप्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया था। हमारा उद्देश्य था आज से 150, 200, 250 वर्ष पहले मॉरिशस में, फिजी में, युगांडा में, टोबेको में,
ये चिट्ठी